Hi friends, Assalamualaikum. You are watching Technical Bajwa and I am Asghar Ali. आज आए हैं न्यू टॉपिक के साथ. डिस्कस हो रही है हर किसी की जुबान पर, हर किसी की नजर में ये टॉपिक है कि पाकिस्तान में जो है मोबाइल फोन सबसे ज्यादा महंगे क्यों आ रहे हैं. दूसरी कंट्रीज में मोबाइल फोन सस्ते हैं लेकिन पाकिस्तान में ही क्यों महंगे आ रहे हैं. तो हर कोई ये चाहता था कमेंट्स में, हर वीडियो में ये कमेंट्स था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए. पाकिस्तान में क्यों महंगे मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में प्राइसेस जो हैं वो काफी लो हैं. तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे आज. तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. तो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट. तो मोबाइल फोन्स की जो प्राइस है वो हाई होने की वजह सिर्फ एक नहीं है, ये काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो सबसे बड़ी जो वजह ये है कि जब कंपनी मोबाइल फोन लॉन्च करती है तो वहां जो है सेल जो अगर ज्यादा हो जाती है तो कंपनी जो प्राइसेस को हाई कर देती है. तो सबसे बड़ी वजह यह भी है कि प्राइस देखती है जब कंपनी कि ये जो फोन है लोग सबसे ज्यादा बाय कर रहे हैं तो प्राइसेस जो हैं वो हाई कर दी जाती हैं. तो सबसे बड़ी वजह यह भी है पाकिस्तान में प्राइस हाई होने की. दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो पाकिस्तान में अप एंड डाउन डॉलर्स का. तो डॉलर्स का अप एंड डाउन चलता रहता है. फिलहाल अप एंड डाउन तो नहीं, सिर्फ अप ही हो रहा है डॉलर्स. तो डॉलर्स जो है अप हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है मोबाइल फोन्स. क्या सभी जो चीजें हैं वो महंगी हो चुकी हैं पाकिस्तान में, तो मोबाइल फोन्स पर भी ज्यादा असर पड़ा है. तो मोबाइल फोन की प्राइसेस जो है आप देखते हैं कि जो 20-25 हजार का मोबाइल है वो भी आपको 30-35 हजार का मोबाइल फोन देखने को मिलेगा. तो डॉलर्स की जो है सबसे बड़ी वजह है दोस्तों. अब ऐसा होता है कि कंपनी देखती है कि नेक्स्ट वीक डॉलर जो है अप होने वाला है तो प्राइसेस जो है वो पहले से ही हाई देखने को मिलेंगी हमें. तो जैसे ही फोन लॉन्च होगा प्राइसेस आपको काफी हाई देखने को मिलेंगी. तो आप जरूर सोचते होंगे कि यार ये प्राइस क्यों हाई है. तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाना चाही ताकि आपके जो सभी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं. क्योंकि इसके पीछे जो हम समझ रहे थे कि डॉलर्स का अप है, अप होना कि डॉलर जो है बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रही है, ये वजह सिर्फ नहीं थी. तो काफी सारी वजह है. एंड में जो सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स महंगे होने का वो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर प्लांट नहीं है, पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स बनते नहीं है. इसी वजह से पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स जो है बहुत ही ज्यादा महंगे हैं. इंडिया और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है कि इंडिया में जो है मोबाइल फोन सस्ते आ रहे हैं एंड पाकिस्तान में जो मोबाइल फोन महंगे आ रहे हैं. ज्यादा सो मोबाइल फोन्स हम इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से करते हैं. तो चाइना की निस्बत भी हमारे पास जो मोबाइल फोन्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं. इसका जो रीजन है वो है चाइना में जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मोबाइल फोन्स के एंड इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मोबाइल फोन्स के. इसी वजह से वहां जो है टैक्स जो है वो नहीं लगता. पाकिस्तान में जब हम मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट का जो है बहुत ही ज्यादा टैक्स लगता है. इसी वजह से पाकिस्तान में जो है मोबाइल फोन्स बहुत ही ज्यादा महंगे हमें मिलते हैं. कमेंट्स में भी हमें आ रहा होता है इंडिया के जो लोग हैं वो कह रहे होते हैं कि यार आपके पास जो मोबाइल फोन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हमसे जो करेंसी डिफरेंस है 2.25 रुपए का करेंसी डिफरेंस है इंडिया का तो वहां से भी डबल और ट्रिपल प्राइस यहां नजर आ रही होती है. तो इसकी वजह यही है पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनेंगे एंड मैन्युफैक्चर प्लांट यहां लगेंगे तो यहां भी जो है टैक्स की जो तादाद है, टैक्स की जो शरह है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी. तो यहां जो है आपको मोबाइल फोन्स बहुत ही ज्यादा सस्ते देखने को मिलेंगे. इससे जो है कंपनी को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है कि वो जो है टैक्स पे करती है यहां इंपोर्ट करने का पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स. तो ये जो है बहुत ही बड़ी वजह है पाकिस्तान में मोबाइल जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, चाहे वो मिड रेंज हो, चाहे अपर मिड रेंज हो, चाहे वो फ्लैगशिप फोन्स हो, सभी फोन्स हमें देखने को मिलते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव. जब मोबाइल फोन्स महंगे हो जाते हैं तब ये मोबाइल फोन्स के पीछे भागते हैं कि यार ये मोबाइल तो बहुत ही अच्छा है, इसकी प्राइस हाई हो गई है तो ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए. तो ऐसा दोस्तों नहीं है. स्पेसिफिकेशन देख के चाहे उसकी प्राइस कम हो या ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेसिफिकेशन देखकर मोबाइल फोन को बाय करना चाहिए. प्राइस देखकर मोबाइल फोन को बाय नहीं करना चाहिए कि प्राइस ज्यादा है तो मोबाइल भी अच्छा होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है. दोस्तों ये थी आज की इंफॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो. अगर आपको हमारी वीडियो और इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा. तो देखते रहिएगा हमारी वीडियोस. नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.